अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहानराज किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ मेरी अम्मी की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बनाऊँगी चिकन आलू करी। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनाने वाली हूँ, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चिकन आलू करी की रेसिपी। मैं यहाँ पर 700 ग्राम चिकन से चिकन आलू करी बनाने वाली हूँ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आप देखते चलिए, मैं यहाँ पर डालते जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टोव के मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के गर्म होते ही हमें यहाँ पर आधी कप के करीब तेल डाल लेना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू को बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ। इसे पहले मैं तल कर निकालूँगी, तो मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। और मीडियम फ्लेम पर हम आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से आलू का कलर चेंज होने के बाद हम तेल से इसे छान कर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज हो चुका है। मैंने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो चलिए मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ। अब हम इसी तेल पर कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। खड़े मसालों में हमें चाहिए एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी चम्मच से साहा जीरा, 4 से 5 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च और एक छोटा सा जायत्री। तो चलिए हम इन सारे खड़े मसालों को 6 से 7 सेकंड के लिए तेल में सौटे कर लेंगे। 6 से 7 सेकंड के बाद अब मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट ली हूँ, उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। और प्याज को हम खड़े मसालों के साथ अच्छी तरह से लाल करेंगे। जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, हम प्याज को भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, नर्म हो चुका है। इसी दौरान मैं यहाँ पर 3 हरी मिर्च को बीच से काट कर डाल लेती हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को अच्छी तरह से लाल कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के करीब टाइम लग गया और आप देख सकते हैं प्याज का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसी दौरान अब मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट कर डाल लेती हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। टमाटर को हमें नरम होने तक पकाना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर नरम हो चुका है। इसी दौरान अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लेती हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कच्चा टेस्ट ना निकल जाए, यानी 2 से 3 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कच्चापन भी निकल चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डाल लेती हूँ। पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो अब हम इन सारे पाउडर मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसालों को भूनने के दौरान मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। स्टोव के लो फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि मसालों से तेल छोड़ना स्टार्ट हो जाए। जब तक तेल ना छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, हम मसाले को भूनते रहेंगे। मसालों को भूनने के दौरान अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेती हूँ। इससे तीखापन नहीं आता है, लेकिन इसका कलर, करी का कलर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँगी और मैं मसालों को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी स्टोव के लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए मैंने स्टोव के लो फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हैं सारे मसालों से तेल भी छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर चिकन डाल लेती हूँ। चिकन को हम मसाले के साथ स्टोव के हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे, यानी पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं यहाँ पर नमक डाल लेती हूँ। मैं यहाँ पर आधी चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गोश्त पकने के दौरान पानी छोड़ेगा, तो हम यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। स्टोव के लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर मैंने चिकन को पकाया है और आप देख सकते हैं चिकन से पानी भी छोड़ने लगा है और हमारा चिकन यहाँ पर 50% तक कुक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर हमने जो आलू को तल कर रखा हुआ था, उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ
आलू डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आधी गिलास के करीब पानी डालना है क्योंकि हम आलू को पकाएंगे, आलू पका नहीं है तो उसलिए मैंने यहाँ पर आधी गिलास के करीब पानी डाला है। अब मैं स्टोव का फ्लेम मीडियम कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए मैं अब कढ़ाई को लीड से कवर कर लेती हूँ। इसी दौरान मैं यहाँ पर 6 छोटी इलायची का पाउडर कर लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे आखिर में छोटी इलायची का पाउडर डालने वाली हूँ चिकन के ऊपर, तो इससे खुशबू बहुत ही अच्छा आता है और चिकन करी का टेस्ट जो है बिल्कुल अलग आएगा। तो चलिए मैं इसका पाउडर कर लेती हूँ। चिकन को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट के करीब टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, तेल भी आपको दिख रहा होगा ऊपर, यानी हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो साथ ही हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है, आप देख सकते हैं हड्डी भी छोड़ने लगा है गोश्त। तो साथ ही अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, छोटी इलायची पाउडर मैंने जो करके रखा हुआ है उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। सबसे आखिर में अगर हम छोटी इलायची पाउडर डालते हैं तो इससे हमारा चिकन करी का खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। ये खासकर मेरी अम्मी की टिप्स है, अगर हम चिकन का सालन बनाते हैं सबसे आखिर में अगर हम इस तरह से छोटी इलायची पाउडर डालेंगे तो इससे चिकन करी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और साथ ही बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है। आप देख ही सकते हैं चिकन के साथ आलू भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो चलिए सबसे आखिर में मैं यहाँ पर हरी धनिया को बारीक काट कर डाल लेती हूँ। मैं यहाँ पर ग्रेवी जो है चिकन आलू करी का थोड़ा मसालेदार रखी हूँ, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी को पतला भी कर सकते हैं। तो आप पर डिपेंड रहता है आपको चिकन आलू करी का ग्रेवी कितना गाढ़ा रखना है या फिर कितना पतला रखना है। तो चलिए अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ। हमारा चिकन आलू करी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने इसे बनाया है। अगर आप इसे एक बार भी फर्स्ट टाइम अपने घर पर बनाएंगी तो आपका चिकन आलू करी बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी अम्मी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा आखिर आपकी चिकन आलू करी की रेसिपी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।